हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज कोई ब्लॉग नहीं है। आज की वीडियो में हम डालेंगे ये स्पेशल सब्जी का अचार। आप सभी ने ये सब्जी तो देखी ही होगी, और ये सब्जी है एक पहाड़ों में मिलने वाली, जो कि जंगलों में मिलती है सब्जी, जंगली सब्जी है ये। तो इसका हम डालेंगे अचार आज। मैं वही वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो बने रहिए पूरे वीडियो में। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो ये है लिंगर, ये देख सकते हैं आप, इसकी शेप कुछ ऐसी होती है, और इसके ऊपर लगे होते हैं थोड़े बाल, बाल से यहाँ पे आप देख सकते हैं बाल बाल से लगे हैं। ये सारे हमें ना कपड़े की मदद से साफ़ करने होते हैं, और फिर इसको काटेंगे बारीक बारीक। तो फिर ये सारी प्रोसेस कर लेते हैं, फिर मिलते हैं उसके बाद। इसके ऊपर ना थोड़े थोड़े बाल होते हैं ऐसे, ये बाल हमें रिमूव करने होते हैं। ये देखो, इस पर दिख रहे होंगे आपको, तो ये बाल हमें रिमूव करने होते हैं, और इनको हम ऐसे करके रिमूव करेंगे, साफ़ करेंगे पूरे कपड़े से। ये अच्छे से साफ़ हो जाते हैं ऐसे, ये देखो साफ। तो फ्रेंड, ये देखिए लिंगर को मैंने थोड़ा मोटा मोटा सा ऐसे काट लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है इसको, हमने थोड़ा मोटा मोटा ही रख लेना है ऐसे, ये देखो। तो फ्रेंड्स, फाइनली सारा मैंने काट लिया है। ये देखो, कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है, और ये मैंने काटा है थोड़ा बारीक बारीक सब्जी के लिए। तो अभी इसको ना अब हम बॉईल करेंगे, सिड्डू मेकर में डालेंगे, सिड्डू नीचे पानी डालेंगे और ऊपर इसको बॉईल करने के लिए डालेंगे। तो चलिए चलते हैं किचन की ओर। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सिड्डू मेकर का जो बेस होता है ना, वो ले लिया है। इसमें हम डालेंगे पानी, क्योंकि हमें इसको स्टीमर में स्टीम देना है। तो अगर आपके पास सिड्डू मेकर नहीं है, तो आप एक पतीला भी ले सकते हैं, और उसमें आप पानी डालकर ऊपर छन्नी में आप रख सकते हैं लिंगर बॉईल करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक नींबू भी ऐड किया है, क्योंकि इस नींबू को ऐड करने से ना, जो पतीले में सिल्वर के पतीले में पानी के दाग पड़ते हैं जब पानी गर्म होता है, काला सा हो जाता है, वो नहीं होता है। नींबू ऐड करने से हमारा पतीला बिल्कुल साफ़ रहता है, इसलिए मैंने नींबू ऐड किया है। और ऊपर मैंने लगा दिया है इसका दूसरा जाली वाला, जो बेस के ऊपर जाली वाला होता है स्टीमर का डब्बा, तो उसमें मैं डाल रही हूँ सारा लिंगर। थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे, जो मैंने अलग से रखा था थोड़ा सा अलग परात में, वो मैंने सारा डाल दिया है। और इसको अच्छे से फैला रही हूँ मैं, ताकि हर एक जो पीस है उसमें स्टीम अच्छे से पहुंच पाए, और बहुत ही बढ़िया से हमारा अचार पक पाए। तो अच्छे से मैंने फैला दिया है यहाँ पे, थोड़ा सा मैंने और ऐड कर दिया, क्योंकि बहुत कम जैसा था उसमें, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा और ऐड करती हूँ, ताकि तीन बारी में ये अच्छे से मेरा सारा कम्प्लीट हो जाए। और मैंने लगा दिया है ऊपर से ढक्कन, और ढक कर इसको अच्छे से रखेंगे काफ़ी देर तक। और आँच हमें ना थोड़ी ज़्यादा ही रखनी है, और ध्यान रखना है कि हमारा पानी ख़त्म ना हो जाए। तो यहाँ पर देखो, मैंने इसमें स्टीम लगा दी थी, और मैं चेक कर रही थी यहाँ पे कि पक गया है या नहीं पका है। तो हमें ज़्यादा भी नहीं पकाना है इसको, थोड़ा सा मतलब नरम हो जाए, ये इतना ही हमको इसको स्टीम में पकाना। फाइनली फ्रेंड्स, ये बॉईल हो चुका है, अब हम इसको इसमें निकाल देंगे टोकरी में, और इसमें बाकी का डालेंगे और बॉईल करने के लिए। बॉईल करने के लिए हमने इसको थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे, अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो फिर वो अच्छे से बॉईल नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा ही हम ऐसे करके डालेंगे स्टीमर में। आप चाहें तो इसको पानी के बीच में डाल के भी उबाल सकते हैं, तो उसमें सूखने में ज़्यादा समय लगता है। अगर हम ऐसे बॉईल करते हैं तो ये जल्दी अच्छे से सूख जाता है। तो फ्रेंड्स, एक रात इसको सूखने देने के बाद मैंने सारा अचार ले लिया है एक परात में, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सारे मसाले जो भी हम अचार में डालते हैं। तो मैंने कलौंजी, राई और जीरा, मेथी और अजवाइन को बारीक बारीक सा दरदरा सा पीस लिया था, और इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही हल्दी, मिर्च, नमक इसमें ऐड कर दिया है। और मैं मसाले यही यूज़ करती हूँ सभी अचार में। तो राई जो है होती है ना, वो खट्टाई देती है हमारे अचार को, तो इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें खट्टाई के लिए कुछ और ऐड करना है। राई से हमारा अचार ऑलरेडी खट्टा हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे सरसों का तेल इसमें डाल दिया है, और इसको अच्छे से मिला लेंगे हम, बहुत ही बढ़िया से मिलाना है। वैसे तो मुझे ना पहले सूखे अचार में इसको सूखे ही मिला लेने चाहिए थे मसाले, और उसके बाद ऑयल ऐड करना चाहिए था, लेकिन मुझे कहीं जाने की जल्दी थी, तो मैंने सोचा कि फटाफट से सारी चीज़ें एक ही बार में डाल के
मिला लेती हूँ इनको, तो फिर यहाँ पे मैं इसको अब अच्छे से मिला लूँगी, ये देख सकते हैं आप। और ये इतना टेस्टी होता है ना खाने के लिए, और जब सीज़न नहीं होता है लिंगड़ का तब भी हम इसको खा सकते हैं। तो अच्छे से मिलाने के बाद ये देखो अचार कितना बढ़िया देखने में लग रहा है, बिल्कुल बढ़िया सी सब्ज़ी। ऐसे लग रहा है कि अभी हम अभी भी खा सकते हैं इसको, पर थोड़ी सी हम इसमें धूप लगाएंगे क्योंकि मैंने इसमें कच्चा तेल डाला है, तेल को गर्म करके नहीं डाला है। सरसों का तेल जो है मैं हो सके तो कच्चा ही यूज़ करती हूँ, तो गर्म करने से ना उसकी जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, उसमें न्यूट्रिशनल जो वैल्यूज़ होती है वो कम हो जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है। बाकी मुझे नहीं पता कि ऐसा होता है या नहीं होता। फाइनली फ्रेंड्स, मैंने सारे अचार को डिब्बे में भर लिया है, ये आप देख सकते हैं। मैंने प्लास्टिक का डिब्बा लिया है, आप हो सके तो कांच का डिब्बा लें, क्योंकि कांच के डिब्बे में जो अचार है ज़्यादा समय तक रहता है। मेरे घर में तो अचार जितनी भी हों जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि हम ना सब्जी की तरह ही अचार को यूज़ करते हैं। और ये देखो अचार मेरा रेडी हो चुका है, और मैंने ढक्कन में लगा लिया है एक कागज का टुकड़ा, ये देखो, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने एक दिन पहले रख दिया था, तो मैंने वीडियो शूट नहीं किया था, अभी मैं वीडियो शूट कर रही थी तो मैंने सोचा कि आपको खोल के दिखा देती हूँ। तो ये कागज लगाने से ना, जब हम इसको धूप में रखते हैं अचार को, तो इसमें थोड़ी सी ओंस की बूंदें पड़ जाती हैं, तो वो ओंस की बूंदें जो है अचार में नहीं गिरती हैं, कागज उसको सोख लेता है, इसलिए हम कागज लगा लेते हैं, या फिर कोई कपड़ा भी लगा सकते हैं आप। तो मैंने इसको ऐसे करके बंद करके रख दिया है, और हम मैंने इसको एक दिन धूप में भी रख दिया था, लेकिन मैंने वीडियो शूट नहीं किया था, इसलिए जो है मैंने इसको अभी लाया है वीडियो शूट करने के लिए। तो होप करती हूँ कि आपको मेरी ये अचार की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।